कितना मिला है? 21,000 रुपये। पढ़े हुए बच्चे जो है आज भी वर्कशॉपों में काम करते हैं, बाकी तो ये प्रैक्टिकल पेपर हमें भी देने पड़ जाते हैं। नकल की भी बात बताऊँ, ये भी हमारे बच्चों की क्वालिटी है भाई, पानी चोरी से तो बेहतर है ना बंदे नकल ही कर ले। भैया अगर ये बच्चों फीस नहीं देंगे तो उनका फिर हम नाम काट देंगे स्कूलों में से। वो गुस्से में कह देते हैं कि भैया अगर तुम्हें वहाँ तालीम अच्छी मिलती है, अच्छा रैंक शैंक मिलता है तो वहाँ चले जाओ, आते नहीं है घर में। वो स्कूल की मिसाइल की बात हो रही थी, ये घर का मिसाइल सुना तो क्या करते हैं, टूटिए फट के ले जाते हैं। पक्के देख लो तो वो हमें माओ बहन की गालियाँ दे रहे थे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सी न्यूज़ में नाज़रीन आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका मेज़बान कैसर नक। आज से हम एक सिलसिला गपशप का शुरू कर रहे हैं आपके साथ, और इसमें हम माशरे के तबकात से तल्लक रखने वाले मुख्तलिफ अफराद को मेहमान के तौर पर मदऊ किया करेंगे, और हमारे जो माशरती मसाइल हैं उनके ऊपर हम गुफ्तगू किया करेंगे। तो आज गुफ्तगू करने के लिए जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद हैं वो हमारे माशरे में एक बहुत ही नुमाया किरदार के हामिल हैं। हम तमाम लोग अपनी ज़िंदगी का जो आगाज़ करते हैं सीखने का, वो अपने स्कूल से शुरू करते हैं। तो आज हमने जिन शख्सियत को दावत दी है वो एक उस्ताद हैं, वो एक सरकारी स्कूल के टीचर हैं जिनको हमने मदऊ किया है, जिनके साथ हम गुफ्तगू करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। छुट्टी हो गई? छुट्टी हो गई सर? छुट्टी नहीं होगी, आप मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, हम एक इंटरव्यू कर रहे हैं आपका मौलव साहब। मेहरबानी तो मेरा इंटरव्यू शुरू कर दे, बड़ी मेहरबानी है। स्कूल की छुट्टी हो गई? जी स्कूल की आज छुट्टी हो गई है, तो असा तशरीफ फरमाए थोड़े नाल प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ? ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਚਾਹ ਜਾਂ ਮੰਗਾਈਏ, ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਬਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਤੂ? ਜੀ ਜੀ ਸੱਤੂ, ਸੱਤੂ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਪਵਾਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜਰਾ ਕੈਮਰੇ ਆਨ ਹੈ, ਜਰਾ ਪਲੀਜ਼ ਜਰਾ ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ? ਜੀ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜੀ ਜੀ ਸਲਾਮ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਜੀ। ਮੈਂ ਮੌਲਵੀ ਬਾਸ ਜਨਾਬ, पूरे पूरे तो स्कूल तो मैं टीचर। अच्छा जी, जिस तरह आप जानते हैं कि बच्चों की जो तरबियत है वो वालदैन के बाद स्कूल से ही शुरू होती है, तो आप बच्चों की एक तरबियत और तालीम दोनों में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। लेकिन हमें अभी महसूस ये हो रहा है कि आजकल माशरे में जो तालीम और तरबियत का जो लेवल है वो थोड़ा सा गिर गया है, वो लेवल नहीं है लोगों की तरबियत का, तो इस पे के बारे में आप क्या कहेंगे, इसकी वजह क्या है? नहीं साहब, ये गल कोई नहीं, स्कूल तो क्यों तरबियत शुरू होगी? स्कूल तो सवेरे 8 बजे लग जाए, तरबियत तो करो शुरू होती रहेगी माँ प्यो तू, क्योंकि उन्होंने बाल जमे उन्होंने तैयार करके भेजना होता है, तो स्कूल वाले का काम कुछ तरबियत देना, थोड़ी तालीम देना है। जी जी जी, तालीम तालीम भी वही बात है कि तालीम और तरबियत दोनों, अगर तालीम देते हैं तो साथ साथ तरबियत भी जो है ना वो बच्चों की करना, वो असातिज़ा का फर्ज है, वालिदैन के साथ साथ असातिज़ा का भी फर्ज है। नहीं, उस्ताद का काम है सिर्फ तालीम देना, शऊर देना, तरबियत माँ बाप का काम है, मेरे घर अच्छे तरीके से बच्चों को समझाना, उन्होंने अच्छे कपड़े पहनान, उन्होंने तैयार श्यार करके साइड को भेजन, अच्छे सबक पढ़ावे, नहीं सबक इलम की रोशनी फैलानी है। जी वही मैं बात कर रहा हूँ कि जी जो इलम की रोशनी है वो रोशनी अभी मध्यम होती जा रही है, तेल खत्म हो रही है, रोशनी नहीं आ रही, बिजली आने की जरूरत है, ठंड की जरूरत नहीं। कर रहा हूँ कि बच्चों में जो तबीयत का लेवल है, जिस तरह से वो माशरे में जाके अपना किरदार उनको अदा करना चाहिए, उस तरीके से वो बच्चे उस तरह उनकी तबीयत नहीं हो पा रही। वो सरकारी स्कूलों से जो बच्चे तालीम लेकर आ रहे हैं, पहले ये होता था कि जो सरकारी स्कूलों से बच्चा तालीम लेकर आता था वही लीड कर रहा होता था, अभी देखो प्राइवेट स्कूल जो है उनकी तरबियत का लेवल वो बढ़ता जा रहा है, सरकारी स्कूलों की तालीम का जो लेवल है वो घटता जा रहा है, उसकी क्या वजह, इसके ऊपर क्या कहेंगे? नहीं भाई लाख साहब, वो गलत ना करो, देखो ना तुम समझदार हो, पढ़े लिखे आदमी आ, तो तुम्हें भी किसी उस्ताद ने पढ़ाया होना ना जी, पढ़े लिखे हो तुम्हें माशा, कोई धोखते नहीं तुम चिट्ठे किते, जिन पढ़े लिखे किसी दफ्तर या स्टूडियो बैठे हो वो तो किते ना जी। देखो जी अभी भी सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, लोगों की सोच है जी कि
सरकारी स्कूल तलीम नहीं होती जी जी प्राइवेट स्कूल तलीम होती है उधर अपने शौक ने गड्डी से लै जाना गड्डी से लैना जो साढ़ा दौर होंगे कि अभी टाटा स्कूल पढ़ते थे जिधर धोप गई उधर खेत के उधर कर दिता इधर धोप गई इधर खेत के इधर कर दिता जहाँ में जा पाते थे हम साड़ी अपनी जी पब्लिक की ख्वाहिशात ने वो कहते हैं साढ़े बच्चे ए सी स्कूल पढ़ गड्डी भी ए सी हो स्कूल भी ए सी हो दफ्तर भी ए सी थोड़ी अपनी ख्वाहिशात जी ने सारा इलाम सरकारी स्कूलों से सरकारी टीचर से ना दो थोड़ी अपनी भी ख्वाहिशात नहीं जी बच्चे साढ़े आलत नहीं माशा करें ऊंचा मकाम हो ऊंची गल हो फिर टुर के सरकारी स्कूल से आ जाते हो कठोर डाटा सरकारी स्कूल के टीचर से पढ़ा देते हो क्यों नहीं मैं टीचर्स की देखे एक तो मौलवी बख्श साहब आपको पता है जरा हमारा नेशनल टीवी पर बैठे हैं तो जरा उर्दू में गुफ्तगू करेंगे तो वो जरा एक अच्छा जो है वो इमेज जाएगा मैंने आपसे उर्दू में बात की है कोई गलत बात तो मैंने करी नहीं है जी जी अच्छा देखिए फीस के हवाले से है कि जो फीसें प्राइवेट स्कूलों की फीसें अभी बहुत ज्यादा है जो हर बंदा जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता अगर इसी तरह ये सरकारी स्कूल जो है इनको हम अच्छे तरीके से आप पढ़ाएंगे तरबियत देंगे तालीम देंगे बच्चों को तो लोग प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों को नहीं भेजेंगे लेकिन अगर सरकारी स्कूलों में तालीम का लेवल सही नहीं होगा तो फिर जाहिर है वो प्राइवेट स्कूलों में ही जाएंगे नहीं आप क्या मतलब है कि हमने बच्चों को सही तालीम नहीं देते जी मैं यही मतलब क्या अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ अल्लाह के फजल करम से मैंने जो आपको बताया मेरे पढ़े हुए बच्चे जो है आज भी वर्कशॉपों में काम करते हैं जी वर्कशॉपों यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि वो वर्कशॉपों में काम करने वाले आप बच्चे पैदा कर रहे हैं आप बच्चों को तालीम इस लेवल के देखो अफसर भी बने नहीं मैं एक बात बताऊँ जो बच्चे वर्कशॉपों में काम करते हैं जी जी उनको जो पढ़े लिखे अफसरान होते हैं जो 50-50 किलो की गाड़ी लेके आते हैं वो आके उन मैकेनिकों को उस्तादी करके बुलाते हैं जो बड़े आला तरीन प्राइवेटों में पढ़ के बड़े आला अहदे पर फैज आम हो गए हैं तो वो उस मैकेनिक को आगे कहते हैं उस्ताद जी मेरी गाड़ी में ये प्रॉब्लम है इसे सॉल्व करें उस्ताद जी कहते हैं ना जी बिल्कुल कहते हैं इसका मतलब ये हमारी जो है तालीम का मैार है कि एक बड़ा अफसर है चाहे वो कर्नल है जनरल है ब्रिगेडियर है ये कोई एक्शन है एस टी ओ है कोई लैंड मैन है ये मजदूर है वो उसको सर जी उस्ताद जी करके बुलाता है ये है सरकारी स्कूल की पाईदारी अच्छा चले ये आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है ये आप कह सकते हैं दूसरा मुझे आपसे जो लोगों को शिकायत है वो जो हमारे पास पहुंची है उनमें ये कि जी आप बच्चों से पेपर मनी के मद में बहुत सारे पैसे जो लेते हैं कि जी पेपर आपके ये देने हैं हमने तो इसके लिए आप इतने पैसे लेकर आए इसके बारे में आप कहेंगे ये इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे आपके जी लोग बड़े परेशान हैं बच्चे भी और उनके वालिदैन भी नहीं ये जो लफ्ज़ आप कह रहे हैं कि मैंने या मतलब लोगों ने पैसे लेते हैं 200-250 रुपया 200-250 रुपये में आता क्या है ये जो सेनेटरी है ये जो कागज है वो अलग वास्ते मिलते हैं नहीं वो तो देखिए वो सरकारी स्कूलों में तो गवर्नमेंट देती है आपको नहीं देती बट आगे पीछे हो जाते हैं हम अपनी जेब से पैसे लगाते हैं तो ये छोटी सी चैरिटी करते हैं चलो बेटर है कोई 100-200 ले लें पेपर के तो उससे चलो गुजारा अच्छा हो जाता है नहीं ये तो ये वैसे होना नहीं चाहिए ये अच्छा दूसरा ये प्रैक्टिकल के हवाले से बात करते हैं जो प्रैक्टिकल जब भी बच्चों के ये प्रैक्टिकल्स होते हैं तो उसमें भी इसी तरह वो पैसे लेके कुछ वो दे दिला के वो कर लेंगे वो इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप ये तो आप देखो ना मुझे चैनल पे बुला के तो बेइज्जती कर रहे हैं हमारे शोबे की भी और टीचरों की नहीं मैं ये एक शिकायत है लोगों को जो एक हमारे पास शिकायत आती है उसके बारे से मैं बात करूं जाहिर आप उसके ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें कि इसमें इस तरह होता है नहीं होता मॉडल में कुछ बच्चे नालायक भी होते हैं ना ये तो वो बाद में प्रैक्टिकल पेपर हमें भी देने पड़ जाते हैं हमें बड़े बड़े फोन आ जाते हैं बड़ी बड़ी ऊंची जगह लेके बच्चा हमारा प्रैक्टिकल देने आ रहा है तो प्लीज इसको पास कर दें तो फिर वो इस तरीके से थोड़ा सा अच्छा इसी के हवाले से सर मेरी एक वो मैं कहती नकल बहुत ज्यादा वो पर्चों में जिस तरह भी आपने कहा कि जी वो आपको पेपर देने पड़ जाते हैं तो वो नकल के हवाले से भी बहुत ज्यादा शिकायत है कि जी बच्चों को नकल करवाई जाती है कॉलेज स्कूल में नकल की भी बात बताऊँ ये भी हमारे बच्चों की क्वालिटी है नकल के लिए भी अकल की जरूरत है इनका मतलब है कि बच्चे हमारे अकलमंद हैं सही तरीके से नकल कर सकते हैं स्कूल वाले बच्चे पढ़ते हैं वो बड़े इंटेलिजेंट हैं सही करके नकल भी कर सकते हैं
तो ये नकल करवाने की आप ये बच्चों को तो फिर शुरू से ही नकल करना सिखा रहे हैं, उनको ये सिखा रहे हैं कि आप जेल शादी करें नकल करें तो फिर आप कामयाब हो जाएंगे। जेल शादी नहीं कर रहे, नकल कर लो बंदा कामयाब तो हो जाएगा जी। भाई पानी चोरी से तो बेहतर है ना बंदा नकल कर ले। अच्छा, तो जेब काटने से तो बेहतर है ना जी, किसी कत्ल काटने से खून निकालने से तो बेहतर तो नकल करके बंदा असल बन जाए। असल छुट्टियों की फीस के हवाले से है कि जी आपके पास छुट्टियों में भी आप लोगों से बच्चों से फीस लेते हैं और डबल डबल फीस लेते हैं, ट्रिपल फीस ले लेते हैं, जो कि छुट्टियां होती हैं सरकारी स्कूलों में और स्कूल तो बंद होते हैं उसकी भी फीसें ले ली जाती हैं। नहीं नहीं, सरकारी स्कूल में फीस नहीं लेते जी, फीस तो हमारी होती भी 10-15 रुपया है, तो प्राइवेट स्कूल वाले जो है ना वो लेते हैं, तो खाएं कहाँ से, वो तो छुट्टियों में पिकनिक मनाते हैं, कभी मरी जाते हैं, कभी फोर्ड मंडू चले जाते हैं या पार्कों में या टोल पर जाके नहाते हैं, तो हम तो नहीं ऐसा करते ना जी, तो हमारे भी बच्चे हैं छोटे छोटे, इसलिए हम वो सारी फीस कट ले लेते हैं। गवर्नमेंट आपको तनख्वाह देती है ना सर उस वाले से, तो ये जाहिर है बच्चों की परवरिश करने के लिए आपको तो गवर्नमेंट तनख्वाह दे रही है। भाई अगर ये बच्चे फीस नहीं देंगे तो उनका फिर हम नाम काट देंगे स्कूलों में से, 3 महीने के लिए भी आए नहीं स्कूल, इसलिए वो तो रहते हैं वहाँ हर महीने उनकी हाजिरी और उनका दाखिला फीस, इसलिए हम एडवांस ले रहे हैं। मौला पाक साहब इसमें एक और चीज़ है कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं बच्चों को ये रुझान दिया जाता है कि जी आप यहाँ सरकारी स्कूल में क्योंकि तालीम का वो मियार नहीं है आप प्राइवेट स्कूल में चले जाएँ, मशवरे दिए जाते हैं लोगों को कि जी आप उधर जाके दाखिल करवा लें। वो हम नहीं मशवरे देते जी, वो आगे हमें कहते हैं कि प्राइवेट स्कूलों में बहुत अला तलीम है, वहाँ की सीटिंग बड़ी अच्छी है, वहाँ के रूम बड़े अच्छे हैं, वहाँ के फर्नीचर बड़े अच्छे हैं, वहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं। मैं तो गुस्से में कह देते हैं कि भाई अगर तुम्हें वहाँ तलीम अच्छी मिलती है, अच्छा रैंक शैंक मिलता है तो वहाँ चले जाओ। मैं कहता हूँ जितने बड़े बड़े अला इदारों में बड़े अफसर पायजाब हैं बैठे हुए हैं तो ये सरकारी स्कूलों से पढ़े हुए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये हमारे अपनी जो वालदैन की अकलों में पढ़ते डल गए हैं, तो सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना है तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे तो ये बड़े मतलब आला तलीम हासिल हो जाएगी। ये इनकी अपनी आवाम की गलती है, हम आज भी आगे खिदमत बैठे हैं तो हमारा क्या काम है भाई, स्कूल में जाके सिर्फ सुनना होता है या बच्चों से ये कहना होता भी हमारे लिए खाने के लिए ले आओ, वो तो एक लाकट कह देते हैं कि 100 बच्चा पढ़ रहे हैं तो 100 घर से अगर कटोरी कटोरी भी छालना है तो घर भी पता छापर में डाल के चला जाता है। शिकायत भी हैं कि जी आप बच्चों को कहते हैं कि जी घर से लस्सी लेकर आओ, कोई मक्खन लेकर आओ, कोई ये इस तरह के भी कुछ शिकायत हैं आपके बारे में। मक्खन महंगा नहीं, बाजार से डेयरी का मिलता है तो वो सही तरीके से बात नहीं हो सकती, तो जिनके घरों में भैंस है उस्तादों का हक होता है, उस्ताद भी वालदैन होते हैं। देखो ना जाए इतने पराठे खाते हैं कि 2 पराठों कहेंगे बच्चा मक्खन ले आए तो मेरा तो महीना लग जाएगा जी। अच्छा, दूसरा जी ट्यूशन के हवाले से आपके ऊपर के लोग ये शिकायत लगाते हैं कि इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी आप स्कूल में इसलिए ज़्यादा अच्छी तालीम नहीं देते ताकि बच्चे ट्यूशन आपके पास आ, आप बच्चों को कहते हैं कि जी पढ़ने के लिए आप सेकंड टाइम में ट्यूशन मेरे पास आ जाएं घर पे, तो आप ट्यूशन के ऊपर ज़्यादा फीस चार्ज कर लेते हैं बच्चों को। वो जब मैं ऐसी कोई बात नहीं है, जब गिलास खाली करेंगे तो और भरा जाएगा ना जी, अल्लाह ने हमें इल्म दिया तो हम इल्म की रोशनी फैलाना चाहते हैं, भाई तलीम ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहते हैं, जो वक्त स्कूल में हम पढ़ाते हैं अल्लाह के फजल करम से ईमानदारी से हम पढ़ाते हैं, तो जो बाकी का टाइम बचता है हम कहते हैं बच्चे का ध्यान उधर हो जाए तो हम उनको पढ़ाते हैं कि सेकंड टाइम आ रही है हमारे पास बच्चे हमारे पास पढ़ेंगे तो जितनी भी हमसे तलीम हासिल कर तो वो जो रोशनी है वो आप स्कूल टाइम में क्यों नहीं वहाँ पे बच्चों को देते कि जो स्कूल टाइम है वही रोशनी आप उधर दें ना स्कूल के अंदर। देते हैं लेकिन लोड शेडिंग होती है ना, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो सेकंड टाइम जरा ये कि ठंडे ठंडे आगे मैंने कहा आप जमी पढ़ लेकर वो जरा सेकंड टाइम में रोशनी जरा ज़्यादा आप कहते हैं कि वो फैलती है। जी जी नहीं, पहले रोशनी तो जहाँ तक बस इलम की रोशनी हर जगह फैलनी चाहिए, ये हमारी भी ख्वाहिश है, मर जाना है कबर को क्या जवाब देगी, हमने एक शोभा इख्तियार किया जो ये टीचिंग का ये वालदैन का होता है, तो ईमानदारी से हम करते हैं कभी सुबह भी पढ़ो दोपहर भी पढ़ो शाम को भी पढ़ो। देखिए उस्ताद जो है ना मुआशरे का के वालिद का दर्जा रखता है, तो इस हवाले से आपका जो किरदार है मुआशरे में हमेशा इज्जत की निगाह से देखा जाता है, लेकिन
कुछ चीजें ऐसी हैं जो सरकारी स्कूलों में हो रही हैं, वो हम उनको पॉइंट आउट कर रहे हैं अपने अंदाज में। सर आपके ऊपर एक वो लोग शिकायत लेकर हमारे पास बहुत आए हैं पिछले दिनों, तो कहते थे कि स्कूलों में और आपके खसूसन आपके बारे में कहते हैं कि जी आपने अपने स्कूल में एक टक शॉप बनाई हुई है जिसमें आप बच्चों को किताबें भी उधर से ही वो मजबूर करते हैं कि खरीदें, कापियाँ भी उधर से खरीदें, और टक शॉप के वाले से भी चीज़ें को खाने पीने की भी अशिया आपने रखी हुई है। जी बात ये लव साहब आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि हमने वो टक शॉप भी बनाई है और बच्चों की किताबें भी वहाँ से देते हैं। बच्चे देखो ना जी बाहर जाते ना जी बाहर टाइम जाया करते हैं, क्योंकि बाहर से जाकर चीज़ लेंगे कोई गैर मुतलका कंपनी की चीज़ें होंगी, बिस्कुट है, पापड़ है, चुरमुर है, कोई खटाई की चीज़ें खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, गले खराब होंगे, बुखार हो जाएगा, इन्फेक्शन होता है बच्चों को। हम अपनी डॉक्टर साहब से लेते हैं, उस दिन ना इन्फेक्शन नहीं होता, गला खराब नहीं होता, ये खांसी तो सॉरी मैं भी जाता हूँ, ये तो वैसे आगे बात करते हुए, तो ये किताबें भी वहाँ से उन्हें कंट्रोल रेट पे मिलती हैं। देखो ना बच्चे को मैं यहाँ से भेज देता हूँ फलां चौक से जाओ भाई किताबें ले आओ, बच्चों का टाइम जाया होगा नहीं। लेकिन ये आपको गवर्नमेंट की तरफ से तो इजाज़त नहीं है ना सर इस चीज़ की, ये तो आप देखें गवर्नमेंट तो आपको इजाजत नहीं देती है, हर चीज जमा पड़ी तो कहाँ से देते हैं, हमारी नजरों में सामने तो होंगे ना जी बच्चे भाई क्लास से निकले तो सामने टक शॉप पे खड़े। अगर आप बच्चों से इतना ही प्यार करते हैं तो आप बच्चों को मारते क्यों है? मार तो बाहर लिखा हुआ है कि मार नहीं प्यार, लेकिन वो सिर्फ लिखा हुआ है ना, आपके ऊपर इल्जाम में शिकायत आपकी बड़ी शदीद किस्म की महकमा की तरफ भी गई थी कि आपने बच्चे का बाजू तोड़ दिया था मार के। नहीं वो खुद तिलक पड़ा था, वो गिर गया था उसका बाजू टूट गया, और इतने कसाई थोड़ी है भैया हम बच्चों की बाजू और टांगे तोड़ रहे हैं, लड़िए तो आप चिटा चिटा हमका इल्जाम लगा रहे हैं। चलें एक हम आपके इस प्रोग्राम के वसीले से हम चाहते हैं कि आप अपने कुछ मसाइल जो आपको ज्यादा फेस कर रहे हैं आप अपने स्कूल में, आप अपने इरादे उसके स्कूल के और ओवरऑल आपके जो महकमे के मसाइल हैं वो अगर आपको बताना चाहें हमारे प्रोग्राम में अपने इस कैमरा के वसीले से तो आप बता सकते हैं वो जरा। जी जी हाँ बेगम वो अदर मेरा वो चैनल वाले आ गए थे तो मुझे क्या है आते नहीं है घर में, वो बिल भी आ गया उसको, कितना बिल आया है 21,000 रुपये का, 21,000 रुपये का अपने घर में लूमे लगा रखे, मैं स्कूल टीचर हूँ ये यहाँ खटिया लगा रहा हूँ भैया अभी कपड़ा भर रहे भी 21,000 रुपये का बिल आ गया, वो बिना घर पहुंचे मैं तो पेट्रोल भी साइकिल पे आता हूँ जी। बच्चों ने कुछ दिए पैसे बंद कर बंद कर बच्चों का ना सामने कैमरा चल रहा है। हाँ चलता सर ये आपके घर के मसाइल का नहीं, मैं स्कूल के मसाइल की बात कर रहा हूँ सर। वो स्कूल के मसाइल की बात हो रही थी, ये घर का मसाइल सुना वही मैं कह रहा हूँ कि आप स्कूल के मसाइल जो है ना वो बताएं, जो स्कूल में आपको मसाइल का सामना है महकमे में जो मसाइल का सामना वो जरा बताएंगे। मसाइल घर से चलते हैं, जैसे आप कहते हैं बच्चों का मसाइल स्कूल तक आते हैं आप तो ये सर आप मेरी बात नहीं समझे, मैं ये कह रहा हूँ कि जो महकमे में आप बच्चों को स्कूल में जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसके बारे से जरा, ये घर के मसाइल देखिए मेरे भी मसाइल हैं आपके मसाइल वो तो सबके मसाइल हैं। तुम्हारे चैनल पे आके जाता फर्श है आप बंदे को ना कपड़े उतार देते हैं उसके ना आ जाओ उधर चैनल पे तो चाय का अब तक कुछ चाय गिलास का पानी तो आया नहीं, कब पिलाएंगे शुरू कर दी मसाइल सुनना चाहते हो हमारे स्कूल के यार ये चाय का बंदोबस्त करें जी प्रोड्यूसर साहब से सर के लिए तो और बोलो पर साहब की चाय और पानी का बंदोबस्त। अरे नहीं 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 पी लिए मैंने तुम्हारे खराब की चाय, चलिए आप जरा मसाइल जरा प्लीज सर जरा मसाइल मसाइल ये नाज़रीन मैं आपको बताऊं कोई एक मसाइल तो आपको बताऊं हमारे स्कूल में
बच्चे इतने शरारती होते हैं कि पानी का मसला है, हमने इलेक्ट्रिक कूलर लगवाए, गवर्नमेंट ने लगवा के दिए, बच्चों को ठंडे पानी लिए जी जी, तो क्या करते हैं टूटियां फट के ले जाते हैं, बिहार को हमें छी छी रस्सियां खती हमने और संगल डाल के रखते हैं, बच्चे को गिलास जो है ना गोल पे जाए वो संगल समय से फुट के ले जाते हैं, पक्के देख लो तो वो हमें माओ बहन की जान नहीं दे रहे होते हैं, हमारे ऊपर आती है किस किस्म किसी का कैपेसिटर नहीं है, तीन तीन पर वाला लगा हुआ था पंखा उसका चोट के ढह पड़ा है, तो दो लगे हुए हैं, तो वो पंखे वो हमारा नहीं देता, वहाँ से गालियाँ देते हैं, मेरे साइकिल को देख लें आप, उसका टायर फटा हुआ है, मैं पैदल आता हूँ। नाज़रीन ये मौलाना बख्श साहब अपने मसाइल, ज़ाहिर मसाइल तो हर जगह होते हैं, तो ये महकमे के भी मसाइल थे, कुछ कुछ उनके वो ज़ाती मसाइल थे जिनको हम ज़ाहिर वो ज़ाती मसाइल तो सबके साथ ही हैं, तो महकमे के मसाइल उन्होंने हमारे साथ शेयर कर दिए हैं, हाजिर होंगे आपके पास इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।